भैया जूस कितने का है? छोटा गिलास 50 का है, बड़ा 60 का है। अरे यार मेरा पर्स तो चोरी हो गया। भाई भाई मेरा पर्स चोरी हो गया, बहुत प्यास लगी है भाई, बहुत तेज प्यास लगी है यार। पी लो सर जी, कोई बात नहीं, प्यासे हो तो भाई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पी लो भैया, कोई बात नहीं, पैसे तो मैं अगले से कमा लूंगा, पैसे कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप भैया फ्री में पिला दोगे? हाँ फ्री में पिला दूंगा भाई, सच में भाई, बिना पैसे नहीं पिला दोगे? हाँ जी हाँ जी, पैसे सब कुछ नहीं होती भाई साहब, बिना पैसे के भी पिला दूंगा, पाइनएप्पल अनार भी डाल दूंगा भाई साहब। भाई एक तो तू पैसे नहीं ले रहा, ऊपर से अनार और पाइनएप्पल भी डाल के देगा, कैसा आदमी है यार तू। ना ना, पी लो। अनार और पाइनएप्पल इंसानियत से बड़े हैं क्या भाई साहब? भाई कोई बात नहीं, छोटे वाला गिलास बना दे यार, प्यासे हो तो बड़े गिलास पियो। पता नहीं यार पर्स गिर कहाँ गया भाई, और एक आदमी बेचारा जूस के भी पैसे नहीं ले रहा। भाई साहब शर्मिंदा मत हो भाई साहब, इंसानियत के नाते पे आपको कर दूंगा, आपको अगर घर जाने के लिए भी पैसे चाहिए तो ले लो। नहीं नहीं भाई, आप पहले ही जूस के भी पैसे नहीं ले रहे हो, घर जाने के भी पैसे दोगे, इतना शर्मिंदा मत करो भाई मुझे। कहाँ रहते हो भाई साहब, क्या करते हो? बस यहीं पास में ही रहता हूँ भाई। अच्छा आप कहाँ रहते हो भैया? मैं यहीं रहता हूँ, यहीं सेक्टर 15 में। भाई धंधा करते इंसानियत के पीछे नहीं हटते, इस ग्राहक के दे दूँ फिर आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बना डाल दूँ ना अपने, बड़े बना दूँ? कोई नहीं भाई, बड़ा बना दे भाई, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं और अच्छा नहीं लग रहा यार, फ्री में पीते क्या करूँ मैं, कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में भगवान। कुछ लोग दूसरों के पैसे लूटने का सोचते हैं, और कुछ लोग जिनके पास है नहीं वो जूस भी फ्री में पिला देते हैं, कैसी दुनिया हो गई है। भाई साहब अपने कर्म के कर रहे हैं, आप जूस पियो तो भाई साहब जूस पियो। बहुत प्यास लगी थी यार, बहुत प्यास। बहुत प्यास लगी थी यार, बहुत प्यास लगी थी यार। भैया मुझको भी जूस पिला दो। तू भी जूस पिएगी गुड़िया? चला जूस पी। अरे भाई एक जूस इसके लिए भी बना दे यार। कोई बात नहीं जी, बच्चे जैसी है हमारी, उनको भी पिला दूंगा। कभी सुना है तूने किसी की मदद करने पे 10 गुना फायदा होता है? वो आज देख ले भाई, ये ले तेरे पैसे, और वहाँ एक कैमरा लगा था, यहाँ एक कैमरा, हम तेरे को कर रहे थे कि तू क्या मजबूरी में मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और तेरे को देख के मजा आ गया यार, ये ले पैसे रख ले, मेरे पैसे नहीं घूमे, ये ले। चलो ठीक है, जितना मेरे से हो पा रहा था भैया उतना तो मैं करिए रहा था। तो भाई ये है प्रताप जूस कॉर्नर, सेक्टर 15 से, फरीदाबाद से, कोने में इसकी मार्केट में दुकान है, और भाई ने बिना पैसे के लिए जूस पिलाने के लिए तैयार हो गया, ये बात देख के मेरी बात दिल को छू गई। आप अगर कभी यहाँ 15 सेक्टर फरीदाबाद आए तो इसका जूस जरूर पी के जाना। मैं चलता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर देना दोस्तों, थैंक यू। बहुत नहीं रे, बहुत नहीं रे, वो देख ना ले हमें, जल्दी चल जल्दी। कोई है? हेलो भैया? नहीं है, नहीं पीछे देखते हैं, चलो चलो प्लीज भैया हमारी मदद कर दो, प्लीज हमारी मदद कर दो, हमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हुआ क्या बहन जी, ये तो बताओ। वो हमारे पीछे, वो प्लीज 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 भैया हमारी मदद कर दो, भैया आप हमारी मदद कर दोगे तो आपका बहुत भला होगा, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, प्लीज हमारी मदद कर दो, हम लड़कियां अकेली है सड़क पे, प्लीज हमारी मदद कर दो। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। अरे बहन जी आप यहाँ पे मत बैठो, आप पीछे डिग्गी में बैठो वरना आपको वो लोग देख लेंगे। अरे डिग्गी में? हाँ बहन जी जल्दी करो, आप बैठ जाओ जल्दी वरना वो देख लेंगे आपको। अरे अरे जल्दी करो, वो आ जाएंगे वरना वो लोग। काम करो जल्दी जल्दी बैठ जाओ आप, और मेरा लैपटॉप बैग मुझे दे दो। तू बैठ जा पहले, इस साइड से होके बैठना, इस साइड से मैं बैठूंगी।
पता नहीं, भाग तो इधर ही रही थी। निकल कहाँ गई ये दोनों? ढूंढना तो पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये गई कहाँ दोनों? इधर ही भाग रही थी, कहाँ गई मेरे को भी नहीं पता, पता नहीं चल रहा गई कहाँ है दोनों की। दोनों दिख भी नहीं रही। ये हरे सूट वाली और नीले सूट वाली ने तो नाक में दम कर रखा है। बैठ के ना बहन जी आप लोग ठीक से। पर ढूंढना तो पड़ेगा कैसे ही कैसे। इससे पूछो गाड़ी वाले से पूछे क्या? भाई साहब नीचे करो खिड़की। अब भाई वो दो लड़कियां थी हरे सूट और नीले सूट वाली, देखी क्या? कौन लड़कियां भाई साहब? अरे मुझे सब पता है, तू जानता है दोनों को, कहाँ है वो दोनों बता, कहाँ है दोनों की दोनों? कौन भाई साहब? अरे दो अभी दो लड़कियां भाग के गई थी ना इधर से, कहाँ गई है वो? कौन सी भाई साहब? अरे तुझे सब पता है भाई साहब, भरोसा नहीं होता था, मेरी गाड़ी चेक कर सकते हो। कपिल दरवाजा खोल पीछे वाला, देख देख कपिल है क्या अंदर? नहीं दिख तो नहीं रही है यहाँ पे गाड़ी में तो। चल इस गाड़ी को निकलने दे। जा भाई जा, तू जा अगली गाड़ी में जा भाई जा। नहीं है गाड़ी में। होगी भाई साहब तसल्ली आपको? हाँ हाँ भाई जा। भगवान का शुक्र है दोनों बच गई, मैं अभी निकाल देता हूँ दोनों को। चलो निकलते हैं, चलो आजा 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 तू भी आजा। भैया ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है ठीक है, तुम निकलो यार लो यार यहाँ से। अरे बहन जी रुको, पहले ये तो बताओ वो मुद्दा क्या है, वो थे कौन? अरे छोड़ो ना भैया, आप अपना काम करो। ऐसे कैसे, मैंने तुम्हारी इतनी मदद किया, तुम लोगों को इतनी दूर तक छोड़ा है, बताओ तो सही क्या मुद्दा है? अरे भैया आपको हर बात में घुसना जरूरी है? लोग बता देती हूँ, एक मेरा घर वाला था और एक मेरा भाई था और हमें लिफ्ट चाहिए। इतना बुद्धू बनाया था, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। ऐसे किसी को बुद्धू या पागल नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे फेसबुक को लाइक शेयर और फॉलो जरूर जरूर करें, और ऐसे किसी को बुद्धू ना बनाए। क्या बताऊं माँ, लाख कोशिश कर ली इन्होंने लेकिन इनकी नौकरी कहीं नहीं लग रही है। हिम्मत रख बेटा लग जाएगी। इतनी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही। आपको तो पता है ना ये कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी इनकी नौकरी नहीं लग रही। हौसला रख बेटा, दमाजी की नौकरी जल्दी लग जाएगी। माँ इतना बुरा वक्त तो शायद ही किसी का आता हो। पढ़े लिखे इंसान के पास नौकरी नहीं है, कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। बेटा वक्त बदलता है और फल जरूर मिलेगा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, खुश रहे। हेलो। हेलो हाँ माँ। बेटा दमाजी की नौकरी लग गई क्या? माँ कहीं नौकरी नहीं लगी, कल तो इन्होंने दो ऑडिशन भी दिए, एक्टिंग भी अच्छी आती है लेकिन फिर भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुए। आपको तो पता है ना माँ ये कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी इनकी कहीं नौकरी नहीं लग रही। बेटा भगवान पे भरोसा रख। कोशिश तो यही है ना माँ कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, फिर हमारा भी कुछ समय बदल जाए, हमारी भी किस्मत बदल जाए। बेटा वक्त बदलता है और फल जरूर मिलेगा। माँ यही कोशिश करूंगी कि हमारी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और इनको कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि हमारी भी जिंदगी संवर जाए। ठीक है माँ मैं अब फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा खुश रहे। मत रख। क्यों किया भगवान ऐसा, हुनर दिया पढ़ाई लिखाई दी लेकिन करने को काम नहीं दिया। भगवान भगवान मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम दे। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। क्या आपके अंदर भी है कोई कला तो उसे दबा के मत रखिए, बनाइए उसकी वीडियो और अपलोड कर दीजिए इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और जीतिए बहुत सारे पैसे कमाइए और जीतिए लोगों का दिल और ढेर सारी इज्जत। तो अपलोड कीजिए अपने हुनर की वीडियो को और कमाइए बहुत सारे पैसा। मैं भी अपनी वीडियोस बनाऊंगा।
मैं भी अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा। हे भगवान मेरे साथ रहियो, मेरी मदद करियो, मैं मेहनत करूंगा। सौम्या, सौम्या मैंने फैसला ले लिया है। क्या? मैं भी अपनी एक्टिंग को, अपने हुनर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। क्या? हाँ। क्या सच में सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि आपका हुनर लोगों तक पहुंच पाएगा? देख, मेहनत करना हमारा कर्म है और फल ऊपर वाले की देन है। मेहनत करते हैं, देखते हैं। ऑडिशन भी तो देने जाता हूँ ना, इंटरव्यू भी तो देने जाता हूँ ना, तो क्यों ना वीडियो बना के लोगों तक अपना हुनर पहुंचाऊं। चल आ जा। और उसी दिन से उसने दिन रात एक करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उसका बेहद ही ज़्यादा साथ दिया और पूरी गाइडेंस भी थी। उसकी पत्नी को बहुत ही नॉलेज थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की और उसने कहीं भी उसको हेल्प करने में मदद नहीं छोड़ी। आज मैं अपना सबसे पहला वीडियो ना ऑनलाइन डाल रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हे भगवान, पहला अपना वीडियो डाल रहा हूँ, अगर अच्छा काम कराओ तो जरूर मदद करना। अपलोडेड। आपने जो सुबह वीडियो डाला था उसका क्या हुआ? 4 व्यूज हैं और 1 भी लाइक नहीं। अब क्या होगा, क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। मेरा फोन ला, सुबह हमने 2 वीडियोस बनाए थे, 1 वीडियो और डाल देता हूँ। ये लो आपका फोन। जो हमने दूसरा वीडियो बनाया था ना सुबह, हाँ। वो डाल लेता हूँ। ठीक है, वो भी अपलोड हो गया। चल सोते हैं, थक गया हूँ यार मैं। सुबह उठते उठते फोन चेक करते हो? आज तो कुछ और काम है सौम्या। सौम्या, रात को वीडियो डाल दो, उसमें 2,00,000 व्यूज आ गए। क्या? सच में? सच में 2,00,000 व्यूज, 10,000 लाइक्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, आपकी मेहनत रंग लाई है। आपको 2,00,000 व्यूज, आपको फाइनली कामयाबी मिल गई। चल वीडियो बनाते हैं आगे। चल चलो। और फिर एक दिन अचानक से ऐसी ऐसी क्लिप्स मेरे सामने आने लगी जिन्होंने मुझे बेहद ही ज्यादा खुश कर दिया। आज की ताजा हेडलाइन है लक्स वर्सेस सौम्या, जो कि बन चुके हैं इंडिया की इंटरनेट की सेंसेशन और देखे जाने लगे हैं सोशल मीडिया पे सबसे। इन्होंने अपना ही नहीं भारत का नाम भी रोशन किया है। इनकी वीडियो से ज्यादा प्यार तो मिलता ही है और इनकी वीडियो से प्रेरणा भी ली जाती है। तो ऐसी करते करते मैंने तीसरा वीडियो बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, कोई व्यूज नहीं आए। छठा बनाया, 1 करोड़ व्यूज आ गए। सातवा बनाया और उसके बाद मेरी कहानी शुरू हो गई। जीवन में मैं ऐसे सफल हुआ। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना हर वो हुनर दिखा सकते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगा और देखते ही देखते ऐसे दिन आने लगे कि वीडियो मेरे ट्रेंड होने लगे। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा हुआ कि उन दिनों मेरा वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 रहा पूरे भारत में और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इसने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी। हाँ, मेरे पास एक नौकरी ज़रूर थी। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की असली कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी कहानी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है। मेरे पास अच्छी नौकरी थी लेकिन मुझे नौकरी से संतुष्टि नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे मेरा हुनर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। मैंने बिजनेस करा, मैंने पैसे जोड़े और अपना हुनर इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना दोस्तों।